कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहां तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयां तक पहुंचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का यह पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रहना जाए तो उसकी भी छूट, 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर RBI के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्वगुरु बना सके उस लायक हम बनाए। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं, और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो या आज के संकट के समय भारत में PPE और मास्क के निर्माण की बात हो। और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है, और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है, और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसकी विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं, लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया, और पूरे देश भर में PDS के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था,
और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध विधवा दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 5,500 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने 1-1 सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहां तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया जिससे उसको लाभ मिला है। आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है जिससे पूरे देश को लाभ मिला है। और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है, केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की जरूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेट्रल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। तनाव में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग हैं, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की, क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे
इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही आज तक वही मांग है। मैं धन्यवाद दूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर यह कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में, जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया। पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं इसमें, यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। इसी तरह से एक बार फिर कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या पीएसयूस में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस
उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। द नेक्स्ट ऑन ईपीएफ अगेन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर टेक होम सैलरी फॉर द एम्प्लॉई, क्योंकि आज के समय पैसा कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12-12% से कम करके 10-10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12-12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा, और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपए ज्यादा इनके हाथ में। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसीज या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सबके लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी, जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी, और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारे अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा, और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। जहां पहली 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी गारंटी स्कीम लेकर आए थे, एनबीएफसी के लिए, एचएफसी और एमएफआई के लिए, वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना, ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एनबीएफसी का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा सहन किया जाएगा, वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें डबल ए पेपर और इससे भी नीचे वाले जो है उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, ताकि ज्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और कुल मिलाकर इससे भी नई लेंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान। बिजली वितरण कंपनियों के आय में जो कमी, भारी कमी आई है, और लेनदारी जो इनके कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझ कर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा, वो
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा, जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो, और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है, केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज्यादा आए ताकि वो कामकाज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। COVID-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो ये प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुबह मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी यही अनुरोध किया गया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाए। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई इसमें विस्तार में कही गई। जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपए की बजाय अब 75 रुपए दूंगा, और उसमें 25% की कटौती की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत गैर वेतनभोगी इन सबके लिए, नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स इनके लिए की गई है। 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले उसकी भी प्रक्रिया शुरू, और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों, या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशनल्स के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव्स, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इश्यू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020
से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, यह भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, जो डेट ऑफ असेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप 2020 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। पहला सवाल था, इस पे थोड़ा सा अगर आप और बताना चाहें कि इतने बड़े पैकेज के लिए सरकार फिलहाल बोरिंग को लेकर के क्या योजना है, आने वाले वक्त में किस तरीके का और प्रावधान करने की योजना है, और दूसरा ये कि जो बैंक गारंटी, जो लगातार बैंक पिछले 2-3 महीने में ये बात को लेकर के चिंतित थे कि कुछ सेक्टर्स पर लोन देने के लिए वो ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे थे, और बैंक गारंटी, सरकार से गारंटी को लेकर के वो लगातार अपील कर रहे थे। ऐसे में आपको लगता है कि इस बड़े पैकेज के बाद में बैंक की तरफ से लोन देने की शुरुआत हो पाएगी और लिक्विडिटी फ्लो की जो कोशिश है उसको कामयाबी मिलेगी? मैं आपके सेकेंड क्वेश्चन को जवाब दे देती हूं, बट फर्स्ट क्वेश्चन आप शायद दोबारा बोलना पड़ेगा, मैं ध्यान से शायद सुने नहीं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं जवाब ये दे रही हूं कि ये गारंटी का विषय जो आपने उठा रहे हैं कि बैंक से भी मांग था, उसके लिए तो आज गारंटी का विषय भी हमने घोषणा कर चुके हैं। सो उसके कारण हम ये मानते हैं कि बैंक्स में थोड़ा और तैयारी होगी, मगर वैसे भी पिछले एक सप्ताह से बैंक सेक्रेटरी इधर देवशीष पांडा जी हैं, लगातार कितने बैंक से क्रेडिट जा रही है, किन को जा रही है, एमएसएमई की जा रही है, रिटेल सेक्टर को जा रहे हैं, ये विषय हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैंडल से और पीआईबी के द्वारा भी जानकारी देते आ रहे हैं। इसमें हम स्पष्टता से ये समझें कि बैंक्स लोन देने से संकोच नहीं कर रहे हैं, सैंक्शन किए हुए लोन्स हैं, जिसमें बैंक का ये कहना है कि सैंक्शन करने के बाद भी कस्टमर आकर के, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम आकर लेंगे, प्लीज तब तक आप पैसा रिलीज ना करें, ऐसे रिक्वेस्ट कस्टमर रख रहे हैं बैंक के सामने। मैं ये नहीं कह रही हूं सभी कस्टमर्स ऐसे बोल रहे हैं, मगर ज्यादातर कस्टमर्स ये बोलने की वजह से सैंक्शनड लोन का विवरण हम दे रहे हैं हर 2 दिन के एक बार, फिर भी वो अमाउंट रिलीज क्यों नहीं हुआ होता, और ये भी प्रश्न उठते हैं कि क्यों बैंक्स रिवर्स रिपो में, रिजर्व बैंक में लगातार पैसा डाल करके आ रहे हैं। कारण यही है कि सैंक्शन करने के बाद भी क्लाइंट्स उनके अपने चॉइस पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन निकालने के बाद, हटने के बाद हम पैसा रिलीज करवाएंगे आपसे। सो ये भी है विषय, हम इसका पूरे हर पहलू अंडरस्टैंड करने का आवश्यकता है। योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैम मोनिका जी बिजनेस। मैम एमएसएमई सेक्टर में पहले से ही बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच था और यूके सिन्हा कमेटी ने ये सारी रिकमेंडेशंस पहले से ही दे दी थी, तो इतना समय क्यों लग गया, क्या हम लॉकडाउन का इंतजार कर रहे थे? और दूसरा ये कि अप्रैल के जीएसटी नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, तो एमएसएमई सेक्टर से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं और वो काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जीएसटी एमनेस्टी स्कीम उनके लिए आ जाए, तो क्या हम उसकी आशा कर सकते हैं? एमएसएमई के लिए अभी इतनी सारी घोषणा, पता नहीं मुझे क्यों आप उसको लॉकडाउन के लिए हम इंतजार के,
कौन इंतजार करते हैं जी लॉकडाउन के लिए? आप समा कीजिए, मुझे कैसे उसका जवाब देना है पता नहीं चल रही है। मगर एमएसएमई के लिए हम धीरे धीरे जुलाई बजट में भी घोषणा किए, उसके बाद पार्शियल गारंटी का अनाउंसमेंट भी हुआ, फरवरी के बजट में भी एमएसएमई के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाए, और अभी कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रेस्ड हो, एनपीए हो, सस्टेनेबल और वायबल यूनिट्स हो, उन सब के लिए अलग अलग हिस्से पर एमएसएमई के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं। और जीएसटी रेवेन्यू के ऊपर रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैं बोलूंगी कि प्लीज। नंबर 30, आपने जो सवाल पूछा कि जीएसटी का जो अप्रैल महीने का फिगर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, आपको मालूम है कि जीएसटी के जो रिटर्न्स फाइलिंग के डेट्स है वो सब एक्सटेंड हो गए हैं। एक बार जब अगर एक्सटेंड कर दिया जाए कि हमने बहुत सारे रिटर्न्स कहा है कि जून तक भरना है, या जो 5 करोड़ से ज्यादा के जो लोग हैं उनको भी हमने टाइम दिया है, तो एक्सटेंशन देने के बाद अब जो ये जो फिगर्स है इसके बारे में स्पष्ट स्थिति जो है सो हमें 30 जून तक ही मिल पाएगा हमें, तो इसीलिए हम लोगों ने उस फिगर को अभी तो जो लोग पैसे दे पा रहे हैं वो दे पा रहे हैं, बाकी लोग 30 जून तक उनको अवधि दी गई है, उसके बाद ही हमें स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ेगा कि कितना पैसा आया, किन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। जहां तक कि आपने एमएसएमई की बात की, जीएसटी रिफंड इस एक महीने में अप्रैल महीने में टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक करीब करीब 11,000 करोड़ लोगों को जीएसटी का रिफंड दे दिया गया है, 11,000 करोड़ एक महीने में। और उसकी संख्या भी मैं बताऊं अगर तो करीब करीब 27,000 लोगों को आईजीएसटी का रिफंड मिला है, और जो बाकी जो जीएसटी का जो रिफंड है करीब करीब 1,39,000 लोगों को जीएसटी का रिफंड मिला है। शैलेश हूँ एनआई से। मैम, एमएसएमई को लेकर आपने तमाम अनाउंसमेंट करे हैं, उसमें दो तीन तो क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। एक तो जो एमएसएमई की डेफिनेशन आपने चेंज करी है उससे कितनी कंपनीज को बेनिफिट होगा, और जो 200 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर हैं जो फॉर ग्लोबल टेंडर्स आते थे, कितने लोग जो हैं उससे, कितने ग्लोबल टेंडर्स उससे बाहर हो जाएंगे? और मैम एक सवाल मेरा ये है कि जो आज आपने अनाउंसमेंट करा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का 1,00,000 करोड़ का जो आप लोगों ने टारगेट करा है, उसमें से कितना इसमें अनाउंस हुआ है या अलग है कुछ? मैं ये प्रश्न जो आपने उठाया ग्लोबल टेंडर के विषय में, कोई बाहर नहीं होंगे, लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं ना। अगर ग्लोबल टेंडर का आवश्यकता नहीं है, जिसके वजह से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज उसमें भाग लेना मुश्किल समझ रहे हैं, हम उस रिक्वायरमेंट को ही हटा दिया कि ग्लोबल टेंडर कॉल फॉर ना करें, जिससे 200 करोड़ से कम वाले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई भाग ले। एक्सक्लूशन नहीं है, इंक्लूशन होगा। लास्ट क्वेश्चन 104। वो आंकड़ा मैं बाद में दूंगी, अभी द इंटेंशन ऑफ दैट डेफिनेशनल चेंज इज टू हैव मोर कंपनीज रिमेन एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ग्रोइंग के वजह से वो इस डेफिनेशन से बाहर ना हो जाएं। इसके लिए कितने यूनिट बेनिफिट होंगे, इफ एनीबडी ऑफ द सेक्रेटरीज हैव दैट इंफॉर्मेशन दे कैन गिव, नहीं तो हम आपको कैलकुलेट करके देंगे कितने यूनिट इससे दोबारा एमएसएमई के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। एक ब्रॉड पिक्चर को लेकर के एक सवाल है कि जो लॉकडाउन की स्थिति हुई उसके बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंच चुका है, और दूसरा ये कि जो ये आपका स्टिमुलस पैकेज है 20,00,000 करोड़ का, लॉकडाउन की स्थिति आगे भी बढ़ती है अगर और ये स्थिति ऐसे ही बनी रहती है तो इससे इसको कितना अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा और कितना अब तक नुकसान अर्थव्यवस्था को हो चुका है? आप दोनों प्रश्न इतना स्पेकुलेटिव प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे से जवाब देना मैं आसान नहीं समझ रही हूं। अगर लॉकडाउन कंटिन्यू, हाउ कैन आई आंसर? वन सेकेंड, लॉकडाउन के वजह से क्या नुकसान हुआ, आंकड़ा करने के लिए अभी समय नहीं है। हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जिससे न्यू इकोनॉमी उभर कर आना है और सभी स्ट्रेंथ के साथ उनके बिजनेस रिवाइव करना है, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। इसीलिए आई कांट आंसर इवन योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी। वेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कमिंग, प्लीज जस्ट लास्ट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन टेकन। आई नो दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस टुडे, बट फ्रेंड्स एज वी आर मीटिंग रेगुलरली फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, सो प्लीज इट्स एंड ऑफ आवर शो।
आई थैंक मैडम एंड थैंक एमओएस, थैंक यू वेरी मच। नो एवरीबडी नॉन रेगुलर सैलरी वाले भी, नॉन रेगुलर सैलरी वाले भी, इट्स नॉट TDS is for professionals, TCS is for others, no? Thank you.